यहाँ पे लग रहे हैं झूले और ये लगी पटाखों की दुकान लाइन से। ये ले रहा हूँ 100 के लिए और ये सब स्टील वाली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ उर्वशी को बस पे बैठाने के लिए। टाइम तो हो चुका है। अरे आया जल्दी, बाइक मैंने निकाल ली थी आज। क्या है दोस्तों, 9:30 बज रहे थे तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर इंतजार करना सही नहीं समझा। फ़ोन लगाया बस वाले को तो फ़ोन उठा नहीं था, हो सकता है भीड़ भाड़ हो बस में इस वजह से नहीं उठाया। अभी उसका फ़ोन आया जब हम लोग इटावा चुंगी आ गए कि मैम 5 मिनट में बस पहुँच रही है। अब इटावा चुंगी जब बस निकलेगी तभी उस वजह से उसमें बिठा दूंगा। हल तो मैं यहाँ तक चल के आ गए, आ गई बस। तो ये शाम के 6 बजने वाले हैं और आज सुबह से पूरा रूटीन बेकार हो गया। क्या है, मम्मी को डिस्चार्ज मिला तो ज़्यादातर मैं भी दुकान में ही रहा, बाहर का काम देखता रहा। ग्राहक वगैरह आ रहे थे दुकान पे, साथ में ये चली गई थी स्कूल तो शौहर को भी संभालना पड़ा। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया आज। और उसके बाद दोपहर में मुझे आने लगी नींद खतरनाक वाली, दोपहर में पड़ के सो गया, शाम को जगा और जगने के बाद मैंने एक ब्लॉग एडिट कर लिया और अभी अभी उसको शेड्यूल पे लगाया है। 6:00 आज वो लाइव होगा क्योंकि आज सुबह ब्लॉग ही लाइव नहीं हो पाया। इतना मतलब भागा दौड़ी में ये कुछ दिन निकले हैं तो कुछ भी काम नहीं हो पाया यूट्यूब का। सोचा था इस संडे वो वीडियो लाइव हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाई। अब उसको एक सिंगल वीडियो में ही कन्वर्ट करके मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ, क्योंकि जो ज़्यादा दूर दूर वाली जगहें हैं उनको तो अपन कवर ही नहीं कर पाए। तो कुछ फुटेज वगैरह मेरे पास पहले से डली हुई हैं, उसमें वही फुटेज लगा देंगे। और हाँ, और उर्वशी बोल रही हैं कि मार्केट चले जाओ आज धनतेरस है तो एक चीज़ मंगानी है उन्हें, वो देखे आना। वैसे तो हम लोगों का प्लान था कि दोनों साथ में जाते हैं, साथ में वनखंडेश्वर मंदिर भी हो लेंगे और उधर भी हो आएंगे, मतलब जो सामान वगैरह हमें लेना है, जो चीज़ें हमें लेनी है। लेकिन अंधेरा कुछ ज़्यादा होने लगा है, 5:30 के लमसम ही अंधेरा होने लगा है। तो ये बोल रही है अब हम जा नहीं पाएंगे, तुम ही अकेले जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, ब्लॉग तो शेड्यूल में लग ही चुका है, आके फिर और भी ब्लॉग्स की एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी मुझे। अंधेरा जब है तो GoPro से तो वीडियो सही बन नहीं पाएगी। मैं सोच रहा हूँ iPhone ही ले जाता हूँ, उसी से बनाऊँगा। तो बाइक आइक पर जाते हुए कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि पकड़ने का इशू रहता ना, मोबाइल एक हाथ से पकड़ो, स्टैंड वगैरह उसका कुछ है नहीं अभी अपने पास। कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा। दोस्तों मैं आ गया हूँ मेला ग्राउंड पर, आपको दिखाता हूँ मेला ग्राउंड में दिवाली के टाइम पे क्या होता है। वैसे मेला के टाइम पे यहाँ पर दुकानें लगती हैं खिलौने वगैरह की। और अभी देखो बाइक अंदर लेके आ सकता था मैं, पटाखे ही पटाखे मिलेंगे। अभी इस तरफ भी दुकान है काफ़ी सारी, यहाँ पर भी दुकान है और इस तरफ भी दुकान है और वहाँ पर झूले भी लगना शुरू हो गए हैं। पता नहीं इस बार जल्दी क्यों लग रहे हैं, वैसे मार्च के आसपास लगते हैं। यहाँ पर लग रहे हैं झूले। और ये लगी पटाखों की दुकान लाइन से। ये ले रहा हूँ 100 के लिए और ये सब स्टील वाली हैं। प्राइस रेंज अलग अलग है सबकी, कोई 290, कोई 250, कोई 200। ये वाली है 150 रुपये की, साथ में इसमें आगे पीछे हो जाती है, हॉर्न भी बजता है, उन सब में हॉर्न भी बजता है। और के लिए जो गाड़ी लेकर आए वो दिखाते हैं सौर को। डर रहा है तो जाके ला गाड़ी लेके आए, चला रहे रो रहे आपने क्या है ऊपर बटन है। देखो देखो
वो पहली बार देख रहा ना गाड़ी है ले लो गाड़ी है, ये तो चलती है बेटा। डर गया, डरा दिया। अब खिला दे पहले, दिखा दे बेटा जी क्या चीज है। तुम्हें एकदम तुम्हारी आवाज सुन पाया थी, वो पुलिस की आवाज मैंने कभी सुनी है नहीं। और तो दोस्तों गाड़ी से बहुत डर रहा है, जैसे ही चालू करते हैं या फिर उसके पास लेके जाते हैं डर के भाग जाता है। क्योंकि जब से पैदा हुआ है तब से कोई उसने ऐसे खिलौनों की आवाज़ नहीं सुनी ना। एक वो गुड्डा था वो भी टूट गया था जब वो छोटा ही था, तो उससे भी नहीं खेलता, तो इस वजह से डर रहा है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ ना कुछ खिलौने लेके आता रहूँगा, ताकि इसको और नई नई चीज़ों की आदत पड़ जाए, मतलब नई नई आवाज़ें सुनने की, जिसमें आवाज़ आती है ऐसी खिलौने लाया करूँगा। और हाँ, अभी मैं अपने लिए बनवा रहा हूँ आलू मटर की सूखी सब्जी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में सोच रहा हूँ बनवा लूँ और वसी से कह के, तो इसीलिए मैं आलू छील रहा हूँ ये रखे, क्योंकि मुझे खानी है तो इस वजह से मुझे ही काम पकड़ा दिया गया है। द नेक्स्ट डे दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आप यहाँ पर देखिए, मैंने सोचा एक ब्लॉग एडिट करके शेड्यूल पर लगा देता हूँ, शाम को 6 बजे ही आगे तुरंत मेरे बगल में लटक गया था, फिर इसको चढ़ाना पड़ा। इसको भी जगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 15-20 मिनट पहले जगा होगा। थोड़ी देर इसने बाहर खेला और जैसे ही मैं काम करने अंदर आया, वैसे ही अंदर आके बैठ गया मेरे पास। कितनी खुशी हो रही है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।